अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन के अंदर आप स्पेनिश के कुछ फिक्रे सीखेंगे। पोरके दिस इज एसो, पोरके दिस इज एसो, वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो। पोरके का मतलब वाई, यानी क्यों। दिस इज यू से, यानी कि तुम कहते हो, एसो ऐसा यानी दैट। पोरके दिस इज एसो, वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो अगला फिक्रा है, ले बेस आ मेनूदो, ले बेस आ मेनूदो, डू यू सी हिम ऑफन, क्या तुम उसे अक्सर देखते हो। ले बेस, इसका मतलब है डू यू सी हिम, यानी कि तुम उसे देखते हो, आ मेनूदो ऑफन, अक्सर। तो ले बेस आ मेनूदो, डू यू सी हिम ऑफन, क्या तुम उसे अक्सर देखते हो। अगला फिक्र है, एल एडा पाशियंते, एल एडा पाशियंते, ही वॉज पेशेंट, वो सब्र करता था या वो सब्र वाला था। यानी कि पास्ट की जो तारीफ़ हो रही है किसी की, तो ये फिक्रा इस्तेमाल होगा। एल एडा पाशियंते, ही वॉज पेशेंट, वो सब्र करता था या वो सब्र वाला था। एल एडा ही वॉज, वो था, पाशियंते पेशेंट, सब्र वाला। तो अगला फिक्रा है, आस्को में तीदो एल मिस्मो एरोर ओत्रा वेस, आस्को में तीदो एल मिस्मो एरोर ओत्रा वेस, ही हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, उसने फिर वही गलती की है या उसने फिर वही गलती दोहराई है, एक ही मतलब बनता है। तो आस्को में तीदो का मतलब ही हैव मेड, उसने की, एल मिस्मो एरोर द सेम मिस्टेक, यानी कि वही गलती, एक जैसी गलती। मिस्मो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसी या वही। एरोर मिस्टेक, गलती। ओत्रा वेस, अगेन, दोबारा या फिर। आस्को में तीदो एल मिस्मो एरोर ओत्रा वेस, ही हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, उसने फिर वही गलती की है। नो पोएदो लेवांतार मी ब्रासो देरेचो, नो पोएदो लेवांतार मी ब्रासो देरेचो, आई कैन नॉट लिफ्ट माई राइट आर्म, मैं अपना दायां बाजू नहीं उठा सकता। नो पोएदो यानी आई कैन नॉट, मतलब मैं नहीं सकता। लेवांतार टू लिफ्ट, उठा, इनके नो पोएदो लेवांतार, आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं नहीं उठा सकता, मी ब्रासो माई आर्म, मैं अप यानी कि मेरा जो है ना बाजू। तो देरेचो का मतलब राइट, यानी मी ब्रासो देरेचो माई राइट आर्म, मेरा दायां बाजू। तो नो पोएदो लेवांतार मी ब्रासो देरेचो, आई कैन नॉट लिफ्ट माई राइट आर्म, मैं अपना दायां बाजू नहीं उठा सकता। मतलब जैसे कोई होता है ना, चोट वगैरह लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, इसी वजह से ये फिक्रा बोला जाता है। तो अगला फिक्रा है, कोरियो तन रापिदो कोमपूदो, कोरियो तन रापिदो कोमपूदो, ही रैन फास्ट एज ही कुड, वो बहुत तेज़ भागा जितना भाग सकता था। कोरियो का मतलब ही रैन, वो भागा, तन रापिदो बहुत तेज़, कोमो यानी कि जितना या जैसे, इसी तरह के इसके मतलब बनते हैं, काफ़ी सारे होते हैं इसके मतलब। तो कोमो पूदो, इसका मतलब जितना वो कर सकता था। और फिक्रे के अंदर अगर इसका मानी देखा जाए तो इसका मतलब बनता है, कोमो पूदो का मतलब जितना भाग सकता था। तो कोरियो तन रापिदो, ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज़ भागा, कोमो पूदो एज ही कुड, जितना वो कर सकता था या जितना भाग सकता था। तो कोरियो तन रापिदो कोमो पूदो, ही रैन फास्ट एज ही कुड, वो बहुत तेज़ भागा जितना भाग सकता था। तो अगला फिक्र है,
Él me explicó el asunto. Él me explicó el asunto. He explained the matter to me. उसने मुझे मामले की वजाहत दी या उसने मुझे मामला समझाया. एल ही यानी वो मे एक्सप्लिको एक्सप्लेंड टू मी यानी मुझे समझाया या मुझे वजाहत दी. एल आ सुन तो मामला. एल में एक्सप्लिको ही एक्सप्लेंड टू मी उसने मुझे वजाहत दी. एल आ सुन तो मामले की या मामला समझाया. यूँ समझिए मतलब दो मतलब हो सकते हैं. एल में एक्सप्लिको उसने यानी कि मुझे वजाहत दी या इसका दूसरा मतलब समझ बन सकता है कि उसने मुझे समझाया. एला सुन तो मैटर मामला. एल में एक्सप्लिको एला सुन तो ही एक्सप्लेन द मैटर टू मी उसने मुझे मामले की वजाहत दी या उसने मुझे मामला समझाया. आस बुएल तो आला कासा अंतेस दे लास सियते अलगुना वेस. Has vuelto a la casa antes de las 7 alguna vez? Have you ever returned home before 7? क्या तुम कभी 7 से पहले घर वापस आए हो? 7 का मतलब 7 बजे से पहले. तो has vuelto have you returned? क्या तुम वापस आए हो? A la casa to the home घर को antes de से पहले यानी कि बिफोर लास सियते यानी 7 लास सियते का मतलब 7 अलगुना बेस एवर मतलब कभी. तो आस बोल तो आला कासा हैव यू रिटर्न्ड होम क्या तुम कभी सॉरी कभी नहीं लगेगा क्या तुम घर वापस आए आंतेस दे लास सियते यानी कि बिफोर 7 7 से पहले अलगुना बेस मतलब एवर कभी. तो एवर यहाँ पर इंग्लिश के अंदर तीसरे यानी कि नंबर पर है तो स्पेनिश के अंदर आखिर में लफ्ज़ इधर उधर होते रहते हैं. तो मानिए आपको समझ आ गए. आस बोल तो आला कासा आंतेस दे ला सियते अलगुना बेस हैव यू एवर रिटर्न्ड होम बिफोर 7 क्या तुम कभी 7 से पहले घर वापस आए हो. तो अगला फिक्रा है नो मे गुस्ता एल काफ़े आई डोंट लाइक कॉफ़ी मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है. तो ये एक फिक्रा तो आई थिंक आपने कई बार सुना होगा. तो नो मे गुस्ता आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता. एल काफ़े द कॉफ़ी कॉफ़ी. तो अगला फिक्रा है एल खोएगा क्रिकेट लॉस फिनिस दे सेमाना एल खोएगा क्रिकेट लॉस फिनिस दे सेमाना. ही प्लेज क्रिकेट ऑन वीकेंड्स वो हफ्तों के आखिर में क्रिकेट खेलता है. एल खोएगा ही प्लेज वो खेलता है क्रिकेट क्रिकेट लॉस फिनिस दे सेमाना ऑन वीकेंड्स हफ्तों के आखिर में. एल खोएगा क्रिकेट लॉस फिनिस दे सेमाना ही प्लेज क्रिकेट ऑन वीकेंड्स वो हफ्तों के आखिर में क्रिकेट खेलता है. तो उम्मीद है कि ये आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा.